सुहेल सदीक रोशन। कहाँ के रहने वाले आप लोग? कर्नाटका। कर्नाटका चामराजनगर। चामराजनगर। वो कौन से हलाल जानवर हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना किया है, बता सकते हैं कुछ आप? वो कौन सा शख्स है जिसकी दुआ में और अल्लाह सुबहान व तआला में कोई हिजाब नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है, कोई लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाबन बोल के, तो वो कौन सा शख्स है जिसकी दुआ में और अल्लाह ताला के बीच में कोई हिजाब नहीं है, बता सकते कुछ जनाब? क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी 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 पूछ सकते सर। आपका नाम? साजिद खान। अब्दुल महबूद। माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? परभणी महाराष्ट्र। परभणी महाराष्ट्र की। माशाल्लाह। आज का हमारा सवाल है, वो कौन से हलाल जानवर हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना किया है, बता सकते हैं कुछ आप? मच्छी। मच्छी तो मुर्दार भी हलाल है, लेकिन मच्छी वो नहीं है, मच्छी नहीं है, आप कुछ बता सकते वो? ये हरन है। हरन। हरन तो हलाल है, लेकिन हरन को और नबी करीम सल्लम खाने से मना नहीं किया, कुछ सोचिए कुछ दूसरा कोई जवाब। ऐसा है कि वो आपने मना तो आपने नबी ने किया, पर यहाँ तो आपने इंडिया की एतवार से तो नहीं है हर, वो बता सकते हैं कुछ आप? जी आप बता सकते हैं? नहीं नहीं मालूम नहीं। नहीं। हर वो जानवर जो गंदगी खाता है, जैसा कि गाय है, भैंस है, बकरा है, मुर्गी है, कचरा कुंडी में जाके गंदगी खाता है ना, तो उसको खाने से मना किए हैं। हर वो जानवर जो फजलात इंसान का जो निकला हुआ डिस्पोजल वो खाता है ना, उसको खाने से मना किए हैं, क्योंकि साइंस भी बोलता है इसमें कि कंटामिनेटेड फूड वो जायज़ नहीं है, तो लेकिन उसको खाने का तरीका ये है कि उसको ख़रीदने के बाद उसको घर में रखना, 8-10 दिन उसको साफ गज़ा खिलाना, उसके अंदर से गंदगी निकलने के बाद जब हलाल हो जाता है, तो माशाल्लाह। आप हमारा और एक सवाल है कि वो कौन सा शख्स है जिसकी दुआ में और अल्लाह ताला के बीच में कोई हिजाब नहीं, ऐसा कौन आदमी है जो दुआ करता है उसकी दुआ में और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाबीना। नाबीना नाबीना नहीं, वो नाबीना की दुआ अल्लाह ताला माजूर है, वो उसकी दुआ कबूल करता है, लेकिन हदीस में वाज़े तरीके से लिखा हुआ है कि मेरी उस बंदे की दुआ में और मेरे बीच में कोई हिजाब नहीं है, बता सकते हैं कुछ? नबी नबी के अलावा कोई नहीं हो सकता। नबी करीम सलम की तो दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं, लेकिन हदीस में क्या है अल्फाज मालूम? मजलूम की दुआ, जिस पर जुल्म किया जाता है ना, जिसका पैसा खींच लेता है, जिसको बगैर कसूर मारते हैं, हत्ता के काफिर भी है अगर, तो उस पर जुल्म हो रहा है अगर, अल्लाह से दुआ कर रहा है अल्लाह ताला मैं मजलूम हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनता है बगैर हिजाब के। जनाब का मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बेशक जरूर करिए। जी करिए। आज का हमारा सवाल है, वो कौन से हलाल जानवर हैं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना किया है, बता सकते हैं कुछ आप? एक घोड़े के बारे में एक पता है, और हलाल जानवर जो खाना है, जो घास खाता वो जानवर को खाने की इजाज़त है, जो खून खाता शिकार करता वो जानवर को खाने की इजाज़त नहीं है, और जो हलाल है और खाने से मना फरमा दिया वो घोड़ा है, और उससे हट के याद नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा करीब पहुँच गए आप, देखिए सोचिए। घोड़ा है, गधा शायद नहीं पता, गधा। आप कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, मैं भी वही घोड़ा पर था, उससे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है मुझे। हर वो जानवर जो गंदगी खाता है, हर वो जानवर जैसा कि मुर्गी है, कचरा वगैरह जो क्या बोलते हैं बैतुल खला वगैरह बाज़ोहत खाती है मुर्गी, और आजकल बकरे गायें वगैरह जो है कुंडियों में कचरा वगैरह खाते हैं, तो हर वो जानवर जो गंदगी खाता है उसको खाना मना है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्ल जल्लाला, जो फिर के खाने वाला जानवर है ना, कचरा वगैरह सब, तो उसको खाने से मना किए हैं, लेकिन उसको खाने का तरीका ये है कि उसको हम उसको लेके बांध के रखना, और अच्छी गिज़ा खिलाने के बाद जब उसके खून में से तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं 8-10 दिन रखने के बाद, उसको फिर खा सकते हैं जी। तो आज का दूसरा हमारा सवाल है कि वो कौन सा शख्स है जिसकी दुआ में और अल्लाह सुबहान व तआला में कोई हिजाब नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है, कोई
लैसा बैनहू वो बैना अल्लाह हिजाबन बोल गए, तो वो कौन सा शख्स है जिसकी दुआ में और अल्लाह ताला के बीच में कोई हिजाब नहीं है, बता सकते कुछ? मेरे ख्याल से तहज्जुद का सुने हम, तहज्जुद में अल्लाह पहले आसमान होता है, बंदे और अल्लाह के दरमियान कुछ भी नहीं था, तो शायद तहज्जुद पढ़ने वाले के बीच में हिजाब नहीं रहेगा। तो माशाल्लाह आपने सही कहा है, लेकिन हदीस में सरी है लैसा बैनहू बैनल्लाह हिजाबुन, तो वो जो हदीस में है ना वो आप वो नहीं है। तहज्जुद पढ़ने वाले की अल्लाह सुब्हान व तआला सुनता है और हर मोमिन को डायरेक्ट सुनता है, लेकिन हिजाब नहीं है बल्कि, बता सकते हैं कुछ आप? माँ बाप का फरमाबरदार, जो माँ बाप के फरमाबरदार होता वो शख्स अल्लाह उसके बीच में बंदे के बीच में कोई दरमियान नहीं रहता। नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि मजलूम जो है ना, मजलूम जिस पर जुल्म किया जाता है, जिसका माल खींच लेते हैं, जिसको मारते बगैर किसी खुसूर के, तो मजलूम के बीच में, मजलूम और अल्लाह ताला के बीच में कोई हिजाब नहीं होता। मजलूम की दुआ को अल्लाह सुब्हान व तआला, हत्ता के वो काफिर भी है अगर उस पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला को पुकारा अगर वो, तो अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। जनाब क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? या ऑफ कोर्स इंशाल्लाह जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सुहेल सदीक रोशन। कहाँ के रहने वाले आप लोग? कर्नाटका। कर्नाटका चामराजनगर। चामराजनगर माशाल्लाह। आज का हमारा सवाल है कि वो कौन से हलाल जानवर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से मना किए हैं? हलाल जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से मना किए हैं, कुछ बोलो मालूम है? हिरन। हिरन तो हलाल है, मना नहीं किए। बैल। हाँ बैल। बैल बैल नहीं है, कोई दूसरा देखिए आप, कुछ सोचिए। खरगोश। खरगोश तो हलाल है ना भाई? हलाल चीज़ है, वो खाने को मना किए। मना किए, हलाल चीज़ है लेकिन खाने को मना किए। मालूम है? मालूम नहीं है। नहीं मालूम, नहीं मालूम नहीं हो रहा क्या? हर वो जानवर हाँ। जो हलाल है जो गंदगी खाता है, जैसा कि बकरा है, गाय है, ऊँट है, कचरा कुंडली में जाके गंदा खाता, गंदगी चीज़। मुर्गी जो है ना बहुत टॉयलेट वगैरह खाती है, तो उसको खाने से मना किए।